हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक लेटर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, न्यू दिल्ली की तरफ से 26 जून 2021 को। इस लेटर में ये बताया गया था कि 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक और जो आपका DNS रिलीफ था उसको फ्रीज कर दिया गया था, फ्रोजन कर दिया गया था। साथ ही साथ DNS अलाउंसेज जो थे वो फ्रीज कर दिया गया था COVID-19 के पैनडेमिक को देखते हुए। तो वो जो फ्रीज किया गया था वो वापस से 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस लेटर में कि 1 जुलाई 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक जो आपको पे नहीं हो पाया था वो वापस से पे किया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। यानी 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक का जो DNS अलाउंसेस थे और DNS रिलीफ थी वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। और साथ ही इसमें TV सोमनाथन के द्वारा साइन किया गया था, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, और ये लेटर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया गया था। तो इस लेटर का फैक्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, या हम लोग कोई भी लेटर जनरली व्हाट्सअप पे हम लोग देखते हैं, बहुत सारा PDF शेयर किया जाता है, ऐसे ऐसे नोटिस शेयर किए जाते हैं, क्या वो सब सही होते हैं या गलत होते हैं। तो इस चीज़ को मैं पहले ऑथेंटिकेट करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि industrialpunch.com करके एक साइट है जो कि न्यूज़ बनाती है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो उसमें इस जो लेटर है इसको गलत बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जुलाई से महंगाई भत्ता शुरू होने वाला संबंधित आदेश जो है वो वायरल हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने इसको लेके क्या कहा इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें ये भी बोला गया है कि सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज है जो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और पेंशनर्स यानी पेंशन भोगी हैं उनके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2021 से फिर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि फ्रीज कर दिया गया था। तो उसमें एक दिया गया है कि PIV फैक्ट चेक ने इस दावे को गलत बताया है। बट मैं आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का। ये एक ट्विटर हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लू टिक दिया हुआ है और 2.6 मिलियन फॉलोवर इसमें है। और ये ट्विटर का ट्वीट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो राउंड है हो रहा है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये लेटर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसमें ये बोला गया है कि डॉक्यूमेंट इज़ डूइंग राउंड ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग रिजम्पशंस ऑफ DA और टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फ्रॉम July 2021। दिस OM इज फेक, नो सच OM हैज़ बीन इशूड बाई GOI। तो इसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कोई भी OM यानी कि अध्यादेश जारी नहीं किया गया है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो पेंशनर्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, और डियरनेस रिलीफ को लेके और DA को लेके कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये उन्होंने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके ये बताया है कि जो लेटर है ये फेक है। ऐसे बहुत सारे लेटर होते हैं जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको देखने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लेंगे कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके लिए आप अलग अलग, जैसे कोई भी लेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट में जाके, नोटिफिकेशंस में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या ये वाकई में सही है या नहीं है। इसी तरह से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कोई लेटर जारी किया जाता है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जाके कन्फर्म कर लेंगे कि लेटर सही है या गलत है। ऐसे ही बहुत सारे जो सरकारी डिसिप्लिन है आप वहाँ से जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि अखबारों में छपने के बाद आप उसको कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि अखबार में कोई भी चीज़ छापने से पहले जो न्यूज़ वाले होते हैं वो ऐसे न्यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदेश या अध्यादेश होता है तो उनको कन्फर्म कर लेते हैं चेक करके, देन वो उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो पब्लिश करते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाया आप सभी को जागरूक करने के लिए कि जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं वो सभी नोटिफिकेशन सही हैं ये ज़रूरी नहीं है, तो आप उनके ऑथेंटिसिटी को पहले एक बार कंफर्म कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।